No problem. Here's the information about Mercedes CLR GTR. Instagram पे रील्स तो आप स्क्रॉल करते ही रहते होंगे। आए दिन आप अलग अलग तरीके के मीम्स, रील्स और पता नहीं कॉमेडी वीडियोस बहुत तरीके के इंस्टाग्राम पे देखते होंगे। बट क्या आपने नोटिस करा है कि ये कैप्शन जो मैंने बताया अभी, Here's the information about Mercedes CLR GTR, आजकल इंटरनेट पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ये हर दूसरे इंस्टाग्राम रील्स के कैप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो क्या आपने नहीं सोचा कि ये वाला कैप्शन आखिर ये लोग क्यों लगा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम रील्स में, और ये कितना अनोइंग लगता है देख के कि रील्स है किसी और चीज के बारे में और यहाँ पे मर्सिडीज का इन्फॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है। मैं जब पहली दफा ये चीज देखा तो मेरे को बड़ा ही दिमाग चकरा देने वाला चीज लगा। फिर उसके बाद मैंने कैप्शन पढ़ना स्टार्ट किया और पता है मजे का बात ये कि वो जो रील था वो किस चीज पे था, वो था एक कॉमेडी रील और उसके कैप्शन में लिखा हुआ था क्या, हियर्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट मर्सिडीज जीटीआर। मतलब तो फिर मेरे को ट्रिगर हुआ कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा एक दो पेजेस नहीं बल्कि बहुत सारे पेजेस ये अभी फॉलो कर रहे हैं और ये 2024 का ट्रेंड भी बन चुका था एक टाइम पे। तो आखिर ये है क्या और क्यों सिग्मा एडिट वाले पेजेस और कितने सारे मीम पेजेस और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के पेजेस इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। तो ये एक कॉपी पेस्ट टेक्स्ट था जो इंटरनेट पे काफी तेजी से कैप्शन के तरीके से वायरल हो गया। इसका इस्तेमाल काफी लोगों ने इंस्टाग्राम के कैप्शन में करा। ये वाला कैप्शन काफी कॉमन हो गया बॉट्स अकाउंट के लिए और इंस्टाग्राम के नॉर्मल पेजेस के लिए भी। इसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये मर्सिडीज का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बट इसमें तो मीम्स चल रहे हैं कॉमेडी के या फिर फनी मीम्स। बहुत लोगों का कहना था कि ये चैट जीपीटी के द्वारा बनाया गया ये कैप्शन है जो बॉट अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के कैप्शन में, ताकि उसके वीडियोज जो हैं वो एजुकेशनल लगे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को, और जो इंस्टाग्राम है वो अपने एजुकेशनल वीडियोज को एक्सप्लोर पेज पे डालता है, इसीलिए ये लोग इस्तेमाल करने लग गए इस कैप्शन का, ताकि उनका वीडियो भी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में रैंक कर जाए और वहीं से खेल होता है पूरा शुरू। फिर क्या था, फिर एक के बाद एक करके सब लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ये इंस्टाग्राम के बहुत सारे वायरल रील्स पे ये कैप्शन है, तो लोग अपने भी कैप्शन में इस वाले कैप्शन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और खास करके इसका इस्तेमाल सिग्मा एडिट वाले रील्स में किया गया जो आपने जरूर से ही देखा होगा। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ, तो इसका शुरुआत हुआ 21 जनवरी 2024 को इस इंस्टाग्राम यूजर के द्वारा। इसने पहला पोस्ट इस चीज पे डाला था और वहीं से ये ट्रेंड वायरल होना शुरू हो गया। इस इंस्टाग्राम हैंडल के द्वारा ये पहली दफा ये कैप्शन का इस्तेमाल किया गया था और यहीं से ये लोग कॉपी पेस्ट कर करके और ये चीजें वायरल करने लग गए। ये जो पोस्ट था इस पे 31,000 के आसपास लाइक्स आ चुके थे और बड़े ही तेजी से ये वाला पोस्ट वायरल हो गया था। तो लोगों को लगने लगा कि ये एल्गोरिदम क्रैक कर लिया इन लोगों ने और इस कैप्शन का इस्तेमाल करके ये अच्छे खासे व्यूज ले सकते हैं। फिर 2024 के शुरुआत से ही ये वाला जो कैप्शन है काफी तेजी से वायरल होने लग गया और इंस्टाग्राम के बहुत सारे मीम पेजेज और बहुत सारे पेजेज पे ये दिखने लग गया। अब वहां पे हर एक जो रील वायरल हो रहा था उसके 1 मिलियन लाइक्स और 2-3 मिलियन व्यूज तो ऐसे थे ही, तो लोगों को और अट्रैक्ट करने लगा कि आखिर ये कैप्शन क्यों लिख रहे हैं, और वो अपने रील्स में भी इसका इस्तेमाल करने लग गए और ये तेजी से वायरल हो गया। मैंने इंटरनेट पे सर्च करने का बहुत ट्राई किया कि आखिर ये चीज है क्या और क्यों वायरल हो रहा है, बट मेरे को कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं मिला जिसमें ये बताया जा रहा हो कि आखिर ये है क्या। तो मैं सोचा चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आखिर ये है क्या और आप लोग को ये गुत्थी सुलझा देते हैं। तो इसके पीछे का यही फंडा था कि ये लोग चाहते थे कि इस चीज ये कैप्शन का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को ये बताना कि ये मेरा जो रील है ये एजुकेशनल रील है, और इंस्टाग्राम को एजुकेशनल रील बता के अपने रील्स है उसको बूस्ट करना, और ये कई हद तक हो भी रहा था और अभी भी ये चीजें हो रही हैं और अलग अलग कैप्शंस वायरल हो रहे हैं, जैसे कि हाल ही में वायरल हो रहा है टेस्ला वाला कैप्शन और भी बहुत सारे कैप्शंस हैं जो आपको आए दिन इंस्टाग्राम रील्स पे दिख ही जाएगा। तो यही था इस वाले वीडियो में, आई होप कि ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको बड़ा ही मजेदार लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो में।